श्री स्वामीनारायण श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 8 का हिंदी है वो पढ़ने वाले हैं। कक्षा 8 के हिंदी में आज हम एकम 8 माँ कहत ए कहानी, जिसका साहित्य प्रकार है काव्य कथा काव्य है। बच्चों कथा के द्वारा यह काव्य है वो लिखा गया है। इसने किसने लिखा? इसके कवि का नाम है राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त। मैत्री शरण गुप्त जी है वो हमारे हिंदी के राष्ट्र कवि है। बच्चों खास याद रखना कि राष्ट्र कवि कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त जी है। बच्चों हमारे भारत देश में कई धर्म के लोग रहते हैं। कोई हिंदू धर्म को अपनाता है, कोई जैन धर्म को, कोई ईसाई धर्म को, तो कोई बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो बच्चों ऐसे ही बौद्ध धर्म को अंगीकार करने वाले गौतम बुद्ध की बात है यह इस काव्य में बताई गई है, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पहले हम इसके कवि मैत्री शरण गुप्त जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और उसमें ध्यान दें। एकम 8 माँ का एक कहानी, जिसके कवि का नाम है मैत्री शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी, रुचि यानी कि रस। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की और मुंडे और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्यायकों में से एक थी। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखी महाकाव्य इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारतवारिणी तथा जयद्रथ वध आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। अब इस काव्य में उसने गौतम बुद्ध की बात तो की है, मगर गौतम बुद्ध का बेटा राहुल जो अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनना चाहता है। बच्चों कहानी तो हम सभी को अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना। नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, कोई ना कोई कहानी है वो हमें सुनने और पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बच्चों यह काव्य है उसमें राहुल जो कि गौतम बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म को अंगीकार नहीं किया तब उसका नाम राजा सिद्धार्थ था। और जब सिद्धार्थ राजा है उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया तब वह बुद्ध भगवान के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ राजा है उसका पुत्र राहुल और उसकी पत्नी है यशोधरा। उसकी बातचीत है यह इस काव्य में कहानी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो बच्चों अब हम ध्यान दें, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है हमेशा। जीवन मारने वाले से जो हमें बचाता है वो बड़ा होता है, यही उसकी चरितार्थ पूरी है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। बच्चों यह काव्य है उसमें मारने वाले से बचाने वाला बहुत ही महान होता है। इस काव्य में जीव दया की बात की गई है। तो अब हम काव्य को समझेंगे। माँ
कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल है वह अपनी माता यशोधरा से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तब यशोधरा है वो कहते हैं कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। बच्चों आपके घर में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, खास तौर पर हमें कहानी है वो दादा दादी या नाना नानी ही सुना दे। इसीलिए यशोधरा है वो कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ रखा है कि मुझसे कहानी सुनने का आग्रह रखता है। कहते हैं मुझसे यह कि तू मेरी नानी की बेटी। अब राहुल है वो बताता है, कहती है मुझसे ये चेटी, चेटी यानी कि दासी, चेटी का मतलब होता है दासी। तू मेरी नानी की बेटी, भले ही तू मेरी नानी ना हो मगर मेरे नानी की बेटी तू ही है, इसलिए तू मुझे कहानी सुना। कहा माँ? कहो। लेटी ही लेटी, भले तू थक गई है तुझे सोना है तो तू लेटी ही लेटी मुझे कहानी है वो सुना। राजा था या रानी? माँ कहो एक कहानी। उस कहानी में राजा था या रानी? मुझे एक कहानी है वो सुना कि उस कहानी में कौन था, राजा था या रानी? तू है हठी मानधन में, तू हठी तू बहुत ही जिद्दी है, मेरा पुत्र तू बहुत ही जिद्दी है, ऐसा राहुल बोलता है। सुन उपवन में बड़े थे। अब यशोधरा है उसे लगता है कि राहुल है वो बहुत ही जिद्दी है, वो कहानी सुने बिना मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह कहानी सुनाती है और कहती है कि सुन उपवन में बड़े थे, उपवन यानी कि बाग बगीचा में बहुत ही सवेर प्रातः काल में तात भ्रमण करते थे। तेर ता, तात है उसे पिता कहते हैं, वह एक संस्कृत शब्द है। बच्चों तात शब्द है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता। तात भ्रमण करते थे तेर बड़े सवेरे बाग में तेरे पिताजी है वो घूम रहे थे, भ्रमण करना यानी कि घूमना, घूम रहे थे जहाँ सुरभि मनमान और जहाँ सुगंध चारों ओर फैली हुई थी, ऐसे बाग में तेरे पिताजी है वो घूम रहे। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। राहुल है वो कहता है कि जहाँ सुरभि यानी कि चारों ओर सुगंध फैली हुई थी, हाँ हाँ मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल दिए, वर्ण वर्ण यानी कि अलग अलग तरह के फूल है वो बाग में खिले हुए। जलमल पर हिम बिंदु जिले, जलमल कर हिम बिंदु जिले। जब बड़े सवेरे ठंड की रुत होती है तब ओस में वो फूल की पंखुड़ियों पर होती है, उसे हिम बिंदु है कहा जाता है। उसकी माँ है यशोधरा, वो कहते हैं कि तरह तरह के रंग बिरंगे फूल है वो बाग में खिले थे और उसमें उसकी बिंदी हिम बिंदु है वो थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहर आ रही थी पवन, क्या लहर है वो हल्की हल्की आ रही थी, उसके कारण फूल है वो हिल गए थे और पानी है वो लहरा रहा था। लहरा था पानी, हा माँ हा यही कहानी। हा माँ जो पानी लहराता था वही कहानी मुझे सुनाओ। गाते थे खग कर कर स्वर, खग यानी कि पक्षी। यशोधरा है वो बताती है, खाते थे गाते थे खग कल कल स्वर, खग यानी कि पक्षी है वो गीत है वो कल कल करके गाते थे। उस
इसकी आवाज को कल कर कहा है बच्चों, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विदर्भ होकर हम सर, उसी में सहसा यानी कि एकाएक एक हंस है वो ऊपर से गिरता है, बिझर यानी कि बिझा हुआ खग सर पक्षी है वो तीर के कारण बिझा हुआ है, हुई पक्ष की हानि, वह हंस है उसको तीर लगा है क्योंकि उसको तीर से बिझा हुआ है, किसी ने उसे तीर है वो मारा है, उसके कारण उसकी पक्ष यानी कि उसकी पंख है उसमें हानि नुकसान हुआ है, हुई पक्ष की हानि राहुल है वो बताता है उसकी मां क्या मां हंस के पक्ष यानी कि पंख को हानि हुई है, करुणा भरी कहानी मां यह तो बहुत ही दया है ऐसी कहानी चौक उन्होंने उसे उठाए नया जन्म था उसने पाया चौक यानी कि आश्चर्यचकित होकर किसने उठाया तो कि तेरे पिताजी सिद्धार्थ राजा है जो बाग में भ्रमण कर रहे थे और अचानक हर्ष है वह तीर से घायल हुआ है तो वह गिरता है तो उसने तेरे पिताजी है उसने चौंक कर उसे उठा लिया, आश्चर्यचकित होकर उस हंस को उठा लिया और हंस को नया जन्म मिला हो ऐसा लगा, इतने में आखिर तक आया लक्ष्य सिद्धि का मन, इतने में जब तेरे पिताजी ने हंस को अपने हाथों में उठाया उतनी ही देर में वहां एक आखिर तक यानी कि एक शिकारी है वो वहां आ जाता है, पर जो आखिर तक का अर्थ होता है शिकारी, उतने में एक शिकारी है वह वहां आ जाता है लक्ष्य सिद्धि का मान, और वह शिकारी है उसे लगता है कि मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने जिस हंस पर अपना तीर छोड़ा था वह हंस घायल होकर गिर गया है, इसलिए वह शिकारी यानी कि आंखें डक है वह खुश होता है और उसे लगता है कि मैंने जो लक्ष्य साधा था वो मैंने प्राप्त कर लिया। लक्ष्य सिद्धि का वाणी कोमल कठिन का माँ शिकारी है वह उसने अपना लक्ष्य है वो साध लिया, माँ यह तो बहुत ही कोमल और कठिन यानी कि मुश्किल कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, अब यशोधरा है वो बताती है कि उसने आहत यानी कि जो शिकार किया है घायल पक्षी है वो शिकारी ने तेरे पिता से उस पक्षी की मांग की कि मुझे ये पक्षी है वो दे दे, तेरे साथ किंतु थे रक्षी, मगर तेरे साथ यानी कि तेरे पिताजी है वो रक्षा करने वाले थे, तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठान, तब जब तेरे पिताजी जो हंस की रक्षा करने वाले थे तब उसने मना किया कि ये हंस है उसने मैंने बताया है तो मैं उसे नहीं दूंगा, तब शिकारी यानी कि खग पक्षी यानी कि जो मांस खाता है ऐसा उसने हट की, उसने कहा कि मुझे मैंने यह हंस को मारा है इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार ज्यादा है, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी, क्या मां शिकारी है उसने हट की, अब तो कहानी है वो आगे बढ़ेगी, हुआ विवाद सदैव निर्दय, यशोधरा है वो कहते हैं कि हाँ उसने हट की पर अब विवाद हुआ चर्चा हुई लड़ाई हुई इसमें सदैव यानी कि जो दयालु है उसमें और निर्दय यानी कि दयाहीन, दयालु और दयाहीन में लड़ाई होने लगी क्योंकि शिकारी बोलता है कि मैंने उसे मारा इसलिए हंस मेरा, और सिद्धार्थ राजा है वह कहता है कि मैंने उसकी रक्षा की मैंने उसे बचाया इसलिए हंस है वो मेरा, हुआ विवाद सदैव निर्दय,
उभय आग्रह के स्व विषय, उभय यानी कि दोनों अपने अपने स्व विषय यानी कि अपनी अपनी बात है वह सत्य है ऐसा आग्रह करते थे। गई बात तब न्यायालय सुनी सभी ने जाने। अब दोनों के बीच में लड़ाई हुई क्योंकि दोनों अपनी अपनी बात है वो सच है वह कहते थे। मानने वाला कहता है कि मैं सच हूँ, बताने वाला कहता है कि मेरी बात सच है, यानी कि दोनों बीच लड़ाई हुई तो ये बात है वो न्यायालय में न्याय लेने के लिए पहुंची और इसी दौरान सभी को ये बात है वो जान पड़ गई क्योंकि यह बात है वो न्यायालय तक जाकर पहुंच गई। सुनी सभी ने जान व्यापक हुई कहानी। राहुल है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ सबने कहानी सुन ली ये तो अब ये व्यापक यानी कि इस कहानी को अब आगे बढ़ गई। राहुल तू निर्णय कर किसका न्याय पक्ष लेता है किसका। अब यशोधरा है वो अपने बेटे से कहती है कि राहुल तू मेरी कहानी है उसे सुनता है कि नहीं। तू अब निर्णय सुना कि यह हंस है वो किसके हाथ में जाना चाहिए, जिसने इसे मारा है उसके हाथों में या तेरे पिताजी कि जिसने उसे बचाया है उसके हाथों में। किसके हाथों में यह हंस है वो जाना चाहिए तो ही अब इसका निर्णय सुना। न्याय पक्ष लेता है किसका। अगर क्यों न्यायालय में होता और तुझे न्याय करना होता तो तू किसको न्याय देता, मारने वाले को न्याय देता कि बचाने वाले को न्याय देता। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बारी। वह यशोधरा है वह कहते हैं कि तू सिर्फ मेरी कहानी सुनता है कि कुछ समझ में भी आता है तो बता तू इन दोनों में से किसका पक्ष लेता। तू निर्भय यानी कि डरे बिना तू मुझे बता, मैं तेरी वाणी यानी कि मैं तेरी बात सुनना चाहती हूँ, तू किसको न्याय देता। माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल है वो कहता है कि माँ मैं क्या बोलूं, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा था। कोई निरपराधी को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। अब राहुल है वो अपनी वाणी अपनी बात है अपना न्याय है वो सुनाता है और वह कहता है कि कोई निरपराधी को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। कोई निरपराधी है उसे कोई मार रहा है क्योंकि हंस ने तो कोई अपराध किया ही नहीं है और शिकारी ने उसे मार दिया है। तो जिसका कोई अपराध ही नहीं है ऐसे व्यक्ति को कोई मार रहा है तो कोई अन्य व्यक्ति उसे क्यों न बचाए उबारे यानी कि बचाए। रक्षक पर भक्षक को मारे न्याय दया का कारण। रक्षक करने वाला भक्षक यानी कि मारने वाले से बड़ा होता है महान होता है तो मां न्याय देना रक्षा करने वाला पर ही जाता है। न्याय दया का दान तूने सुनी कहानी। अब यशोधरा है वो कहती है कि क्या तेरा न्याय जिसने रक्षा की है उस पर जाता है। तो बेटा तूने सच में मेरी कहानी है वह सुनी और समझी। बचो हमेशा जीवन मारने वाले से बचाने वाला है वो महान होता है। तो सिद्धार्थ राजा है उसने को बचाया और शिकारी है उसने हंस को मारा। तो यहाँ पर सिद्धार्थ राजा है उसके न्याय निर्णय होता है और हंस है वो सिद्धार्थ राजा के पास जाता है क्योंकि सिद्धार्थ राजा है वो जीव दे में मारने वाले इंसान थे। वह मानते थे कि निरपराधी को हमें मारना नहीं चाहिए यानी कि इस कार्य में हमें सीखने को मिलता है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा महान होता है। बस आपको यह कार्य अच्छा लगा होगा, इसे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना मेरे को
कुछ शब्दार्थ है यह बोर्ड पर लिखे जिसे हम एक बार दोहरा लेते हैं। चेटी, चेटी का मतलब होता है दासी। हठी यानी कि जिद्दी। तार, तार एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है पिता। सुरभि, सुरभि यानी कि सुगंध। खग पक्षी, उसको कहते हैं मांस खाता है मह। मिधर यानी कि बिंधा हुआ। खग यानी कि पक्षी। शर यानी कि तीर। आखेट यानी कि शिकारी। और अंत में है आहार यानी कि काय। बच्चों आपको ये काव्य अच्छा लगा? जय स्वामी नारायण।